नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर हम सेकंड ग्रेड इंग्लिश की फाइनल कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल इंग्लिश का रिजल्ट आ चुका है। आपकी जो प्रोविजन लिस्ट है, अर्थात जो दो गुणे की आपकी कट ऑफ है, वो जारी हो चुकी है। उसके बाद में आपकी क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करें इसके अंदर सेकंड ग्रेड इंग्लिश की सीट की बात करें विद्यार्थियों, टोटल सीट आपकी 1688 थी। जो फॉरम भरे गए थे आपके 85,672 के लगभग आपके फॉरम भरे गए थे। जो अटेंडेंस रही थी आपकी, जो पहले जीके का पेपर लगा था, उसमें 59,866 विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी। इसके बाद में 30 जुलाई को आपका री एग्जाम हुआ और उसके अंदर जो जीके का पेपर लगा आपका, उसके अंदर 30,841 विद्यार्थी बैठे। इसका मतलब है कि आपके एक सीट पर लगभग 18 विद्यार्थियों में क्या था, कंपटीशन था। इसके बाद में हम आपके 2018 की एक बार कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये 2018 की कट ऑफ है 788, जो टोटल पोस्ट थी विद्यार्थियों आपकी 2018 में। जो जनरल की कट ऑफ गई थी 2018 में 311 गई थी। ओबीसी की कट ऑफ गई थी विद्यार्थियों 305, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस थी नहीं। एमबीसी की कट ऑफ 271, एससी की कट ऑफ 276 और एसटी की कट ऑफ गई थी 236। ये आपकी 2018 की कट ऑफ है। अब हम 2022 की बात करें विद्यार्थियों, ये दो गुना की कट ऑफ दे रखी है आपको यहाँ पर 1688 सीट के लिए। अब इसके अंदर हम आपकी एक गुना की कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस दो गुने की कट ऑफ के आगे हम आपके एक गुना की कट ऑफ लिखेंगे आगे, कि आपकी क्या एक गुना की कट ऑफ रहने की संभावना है। जनरल की बात करें, आपके दो गुना की कट ऑफ गई है 293.97, लगभग 294 आपकी कट ऑफ गई है विद्यार्थियों। आपके जो एक गुना की कट ऑफ रहने की संभावना है विद्यार्थियों, आपकी 302 से लेकर के 305 नंबर आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। 305 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी विद्यार्थियों, आपकी 302 से 305। अब आप इसमें प्लस माइनस दो कर सकते हो कि आपकी दो नंबर कम हो सकती है। 305 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, हो सकता है एक या दो नंबर बढ़ भी जाए, बाकी आपकी कट ऑफ जो रहने की संभावना है 302 से 305। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ आप देखते हैं जनरल की कट ऑफ के कंपैरिजन में आपकी ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए आपकी ओबीसी की कट ऑफ गई है 272.84। तो आपकी जो कट ऑफ रहने की संभावना है ओबीसी की विद्यार्थियों, 290 से लेकर के 293 नंबर आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, 259.54 आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है 272 से लेकर के 275 नंबर आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है। एमबीसी की बात करें, आपकी कट ऑफ गई है 204.65। आपकी एमबीसी के अंदर कट ऑफ रहने की संभावना है विद्यार्थियों 217 से लेकर के 220 नंबर। एससी की बात करें, 222.94 आपकी कट ऑफ गई है एससी की। तो आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है 233 से लेकर के 235 नंबर तक आपकी एससी की कट ऑफ रहने की संभावना है। एसटी की बात करें, तो आपकी एसटी की जो कट ऑफ गई है 187.06 गई है। आपकी जो कट ऑफ रहने की संभावना है 198 से 200 नंबर तक आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये हमने आपको एक गुणे की कट ऑफ बताई विद्यार्थियों 2000
22 के अंदर जो पेपर लगा है आपकी ये कट ऑफ रहने की संभावना है। अब आप इसमें प्लस माइनस दो नंबर कर सकते हो सभी कैटेगरी में, इतना आप लेके चल सकते हो, बाकी आपकी ये कट ऑफ रहने की संभावना है। विद्यार्थियों हम आपसे कहना चाहते हैं, कहीं भी आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी असहज महसूस ना करें, ये एक अनुमानित एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके इससे एक या दो नंबर भी कम आ रहे हैं तो कहीं भी अपने आप को घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और आपके इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। बाकी ये एक गुणे की कट ऑफ है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने आपको बताई। हो सकता है कई विद्यार्थियों को ये कट ऑफ पसंद आए, कहीं को नहीं आए, ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए 2018 के जो कट ऑफ गई है उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए इस सेशन में लेकर के आए हैं। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।